ये छिपकली मैडम ने मुझे हाथ ही दिया ना गिफ्ट में, मैं भी एक दिन छिपकली दूंगा। ऐसे कैसे चलेगा सर? नहीं समझ में नहीं आ रहा दादाजी, मतलब जोशी जी, मैं जब भी कोई जरूरी काम करता हूँ इस बच्चे को लाकर पटक दे तो आप टेबल पे, ये चक्कर क्या है? हैं क्या किया जीताल? ऐसे कैसे चलेगा सर? ए नकल कर रहा है मेरी? एक विद्यार्थी अपने शिक्षकों की छाया प्रतिलिपि होता है गुरु जी। वाह 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 टंका जी वाह, क्या बात कही है बच्चे ने, छाया प्रतिलिपि बोलिए बच्चा, मतलब बहुत कठिन वर्ड है ये बोलने में, लेकिन आप जो हिंदी पढ़ा रहे हैं ना ये आपका नाम रोशन कर देगा बच्चा जसपाल जी, देखना। आप विषय से भटक रहे हैं सर, अगर बेलवाल गुरुजी होते तो मेरा चयन अवश्य करते। नहीं नहीं वो मैं समझ नहीं रहा, एक्चुअली मैं ये बात नहीं समझ रहा कि जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं विषय है क्या, किया गया बच्चे ने, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए सर, पीटी टीचर बेलवाल जी छुट्टी पर है और आपने मुझे अंतर विद्यालय खेलों के लिए विद्यार्थी चुनने का काम दिया है ना, और मेरा चयन नहीं किया जा रहा है सर। टंका जी, जोशी जी माफ करना, ये बात तो फिर गलत है ना, लेकिन देखिए जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सब विद्यार्थियों के लिए होती हैं, सब विद्यार्थी उसमें भाग ले सकते हैं, तो जसवाल क्यों नहीं? सर मुझे इससे वंचित रखा जा रहा है। सर विद्यालय को कलंकित करने से अच्छा है इसे वंचित किया जाए। नहीं 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 टंका जी, देखिए टंका जी, जो टंका क्यों नहीं रहा है जोशी जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने वर्ड कहा ना वंचित किया जा रहा है, तो ये सोचने से पहले आपने ये सोचा कि मतलब इसकी प्रतिभा का कोई टेस्ट वेस्ट किया आपने, कि मतलब बच्चा जाने लायक है जाने लायक नहीं है, आपने बोल दिया ना वंचित किया जा रहा है, कैसे कैसे मतलब कैसे वंचित कर रहे हैं आप इसे? सर आप भूल गए क्या, पिछले साल रिले रेस में ये हमारी स्कूल की टीम को हरवा चुका है, 3 लड़के कितना अच्छा दौड़े थे लेकिन इस चौथे की वजह से उनके चैंपियन बनने के सपने की 13वीं हो गई, अब तो वो तीनों लड़के इसको देखते ही भाग चलते हैं। तो एक काम करिए ना प्रियंका जी, सॉरी जोशी जी, आप एक काम करिए ना, बच्चे को जसपाल को किसी और खेल में ले लो। कौन से खेल में ले लूं सर, ऊंची कूद में ये सफेद पट्टी के ऊपर कूद नहीं पाता, 100 मीटर की रेस में जब ये स्टार्ट लेता है तो बाकी लड़के एंड पे पहुंच जाते हैं, और जब 1000 मीटर की रेस में दौड़ा है तो ये वहाँ बेहोश हो गया। पर सर आप ही तो कहते हैं कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए, हार जीत की भावना के साथ नहीं। देख रहे हैं सर ये यहाँ भी खेल खेल रहा है, आप इसकी बात में मत आइएगा वरना मैं स्कूल की बदनामी कराने टीम लेकर रामनगर नहीं जाऊंगा। अरे सर रामनगर जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, इसी बहाने गर्जिया माता के दर्शन हो जाते हैं, उसी लिए मैं भी जाना चाहता हूँ सर। इन्हें ये प्रतियोगिता पिकनिक लग रही है सर। नहीं 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 टंका जी, देखिए टंका जी, टंका क्यों बोल रहा है जोशी जी, बच्चा क्या क्या गया अभी सुना नहीं शायद, बच्चा क्या गया गर्जिया माता के जाना चाहता है दर्शन के लिए बच्चा, बच्चे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई, है बच्चा धार्मिक है, ये घूम भी आएगा पिकनिक भी हो जाएगी खेल भी आएगा कुछ इस बार। ये जो सर आप बार बार टंका बोल के पीछे जोशी जी लगा देते हैं ना, ऐसा करिए आप ही स्कूल की टीम को लेकर रामनगर चले जाइए, वहाँ जिम कॉर्बेट पार्क है उसमें आपके कुछ ये रिश्तेदार भी मिल जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं टंका जी, मतलब जोशी जी मेरा कौन सा रिश्तेदार है जिम कॉर्बेट में? सफेद हाथी सर, गुरुजी शायद यही कहना चाहते हैं। लेकिन कॉर्बेट में तो सफेद हाथी है ही नहीं, स्कूल में तो है काला सफेद दोनों। या तो है। अरे सर मैं आपको सफेद हाथी नहीं बोल रहा था सर, आजकल जिम कॉर्बेट जो है वो सफेद हाथी कितना हो गया, आजकल लोगों का आना जाना बंद है। चुप कर सीते मेरा मतलब कितना बोलते हैं आप, चुप करिए ना, थोड़ा सा बोलते रहते जब देखे बोलते रहते ये ऐसा इस बच्चे को लेकर आपको जाना होगा, बस ठीक है बस हो गया ना, बताओ बेटा किस खेल में रुचि है तुम्हारी? सर मैं वॉक रेस कर सकता हूँ। सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये आपके दिमाग से फिर खेल रहा है, वॉक रेस में स्कूल की तरफ से एक भी प्रतिभागी नहीं है इसलिए ये वॉक रेस का नाम बोल रहा है। अरे टंका सर इसको ले जाने में आपको दिक्कत क्या है? वॉक रेस कोई हलवा नहीं है, तलवे छिद जाएंगे छिद्दे। मैं छिदाने को तैयार हूँ सर, मैं स्कूल की गरिमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। स्कूल की गरिमा, स्कूल का मान सम्मान प्रतिष्ठा सर। चुप कर, जो अभी बोला वो बोल बेटा। देखा सर ये कोई खेलने नहीं जाना चाहता, ये तो गरिमा के चक्कर में वहाँ रामनगर जाना चाहता है। अरे सर मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते प्रेयर के टाइम पे इसे मैंने स्कूल प्रतिज्ञा बोलते हुए सुना, और पूछो क्या बोल रहा था ये, बोल के बताओ जसपाल। बता जसपाल। भारत हमारा देश है, हम सभी भारतवासी आपस में एक को छोड़ के भाई बहन है। क्या बोला इसने? कहा एक को छोड़ के बाकी सब भाई बहन है। सर ये एक ही खेल बहुत अच्छा खेलता है। कौन सा? ये शतरंज, शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, और सफेद हाथी की आड़ में इसने स्कूल को मात दे रखी है। मम्मी कसम सर मैं स्कूल का इतिहास गरिमा मई बना। मम्मी सर सर आप अभी के अभी वॉक रेस से नाम काटिए इसका। स्वागत है स्वागत, इस बच्चे का मैं आज खुद करूंगा स्वागत। अब तक सफेद हाथी सीधा चल रहा था लेकिन अब बदलनी पड़ेगी चाल। जसपाल।